कहीं ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बॉर्डर्स बनने के कारण ना अलग अलग कंट्रीज तो बन गए हैं, ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल है वो, लेकिन एक सपना था मेरा, वो था वन वर्ल्ड का। कहीं भी जाने की जरूरत पड़े, लेकिन कोई भी वीजा लेने की कोई जरूरत ना पड़े, इट्स लाइक वन यूनिटी, एक वन वर्ल्ड जिसका सपना होता है, मेरा कुछ ऐसा सपना है। और आज मुझे वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ है टर्बन ट्रैवलर हु हैज एक्चुअली ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, जेन्युइनली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन हिज ओन व्हीकल। आई थिंक आपको इनकी यूट्यूब वीडियो जरूर चेकआउट करनी चाहिए अगर आप भी इनसे इंस्पायर होना चाहते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं उनसे बात करके, एंड आई मस्ट टेल यू टॉकिंग टू हिम वॉज एक्चुअली सो एंजॉयबल एंड सो इन्फॉर्मेटिव। अभी आप ही सर की जुबानी सुन लीजिएगा। सर सत श्री अकाल, थोड़ा फिर तो स्वागत कर दें जी सिटी लाइफ दे। सर जहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज की बात होती है ना, चाहे हम विलिंगली करें या नॉन विलिंगली करें, जब भी हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और एज यू हैव अ टर्बन ऑन योर हेड, तो वो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस करता है लोगों के माइंड सेट को। हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन लाइक बींग अ टर्बन ट्रैवलर? माई एक्सपीरियंस एक्चुअली वेर एवर आई गो, ये आज से नहीं है, मैं 79 से ट्रेवल कर रहा हूँ। मेरा पहला वीजा जो था अमेरिका का 1979 में लगा था, और तब से आप सोच सकते हो मैंने 87 कंट्रीज ट्रेवल करे हैं जी। और शुरू शुरू में जब जाता था तो मुझे ये मालूम पड़ता था कि भाई लोग इंडियंस को बड़ी नीची निगाह से देखते हैं, और धीरे धीरे वो चीजें बदली। तो जिस वक्त वो चीजें नहीं बदली थी, उस वक्त भी मैं अपने आप को इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ट्रीट करता था। क्या बात? और मैं जहाँ जाता था मैं इस चीज का ख्याल रखता था कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे हमारे मुल्क का नाम नीचा हो। जी, जी। तो मैं यही चीजें मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने कल्चर को या अपने खाने को या अपने म्यूजिक को आप तब प्रमोट कर सकते हो जब आपको उनके वहाँ का कल्चर, वहाँ का म्यूजिक और वहाँ का कुजीन मालूम हो। और अगर आपको मालूम है तो उसका फ्यूजन क्रिएट करने का मजा ही कुछ और था। एक्चुअली ये जर्नी जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं पहले एक शेफ को भी लेके जा रहा था और एक म्यूजिशियन जो था वो भी साथ में जा रहा था, और एक ट्रैवलर मैं खुद हुई जी सर, तो जी हम सर। इसको कंबाइन कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं मिला बड़ा कि जो इस चीज को सपोर्ट करता, बट इसको मैंने करना जरूर है जी। ताकि हम अपने यहाँ के जो 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 शेफ है, मास्टर शेफ एक लड़की थी जी सर, जो लखनऊ की, जिसके नाम पे वहाँ पर रोड भी है नंदिनी दिवाकर रोड, तो उसको वो उसने मेरे साथ जाना था। एक लड़का गुरकीरत है जो यहाँ का चंडीगढ़ का है पटियाले का, तो वो भी इसने भी साथ जाना था जी सर, तो अनफॉर्चुनेट नहीं जा सके। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपका खुद का कल्चर और उसका, चाहे वो खाना हो चाहे वो म्यूजिक हो, और वहां पर जाके जब आप उसका फ्यूजन करते हैं, कि सपोज मैं उनके इंग्रेडिएंट से अपना फूड बना रहा हूँ या अपने इंग्रेडिएंट से उनका फूड बना रहा हूँ, या अपना म्यूजिक और उनके म्यूजिक को मैं फ्यूजन कर रहा हूँ, या उनके कल्चर और हमारे कल्चर में जैसे वो डांस है, अगर हम लोग भांगड़ा पे डांस करते हैं और मैं वहां पर उनको भांगड़ा पे डांस कर ढोल पे डांस करा रहा हूँ, तो कितना मजा आएगा। तो ये सारी चीजें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए थी, और ये हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसमें गुजर रहे हैं। जब भी टाइम मिलेगा वो भी नेक्स्ट ईयर, तो आई विल डू दिस, आई विल टेक द पीपल विद मी, सो हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। और सबसे बड़ी चीज होती है जब आप बाहर जाके बाहर के मुल्कों में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं एज ए टर्बन ट्रेवल सोच मैं कर रहा हूँ, आप उस वक्त ये सोचिए कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मैं एक इंडियन हूँ, और मेरा कुछ भी गलत करने से या कुछ भी ऐसा करने से मेरा नाम नहीं खराब होगा, मेरे देश का नाम खराब होगा।